पहले खिलाड़ी था। अब पूरा खेल। यस, जैसा कि मैंने आपको गुड न्यूज के ट्रेलर वाले रिएक्शन वीडियो में बताया था कि यार अक्षय कुमार इज ऑन अ रोल। मतलब बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं और बैक टू बैक सुपर हिट्स होते जा रही है फिल्में मतलब एक के बाद एक लगातार। लगातार। यार मुझे याद नहीं है कि अक्षय कुमार की पिछली कौन सी फिल्म फ्लॉप हुई थी। 4 साल 5 साल पहले की बात हो सकती है वो। अक्षय कुमार इज द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ बॉलीवुड राइट नाउ। और ये जो महीना रहा है नवंबर का महीना, एक के बाद एक अनाउंसमेंट आते जा रही है और सुपर हिट फिल्मों की आते जा रही है। जो नेम अनाउंस हो रहे हैं फिल्मों के, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी बड़ी हिट होने वाली है। और अभी कुछ ही दिन पहले गुड न्यूज का ट्रेलर आया था और क्या अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है उसे। मतलब अक्षय कुमार का एक रिकॉर्ड था कि वो उनकी जो हाउसफुल 4 की ट्रेलर आई थी वो थर्ड मोस्ट व्यूड ट्रेलर थी। उसने कुछ 24 घंटे में 26.8 मिलियन के आसपास जो था उसको व्यू मिला था। बट अब मैन, गुड न्यूज के आने के बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया अक्षय कुमार ने, 24 घंटे में 30 मिलियन व्यूज। मतलब समझ रहे हो और तुम? हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी सीरियस टॉपिक पे जैसे इस तरह का सब्जेक्ट आयुष्मान खुराना ने विकी डोनर में लिया था, और फिर इस बार अक्षय कुमार इतनी सीरियस टॉपिक को लेके इतनी कॉमेडी कॉमेडी। फिल्म बना रहे हैं। और अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग सैल्यूट है बॉस। मतलब उनकी कॉमेडी टाइमिंग को अगर आप देखें तो कभी फेल नहीं होती। मतलब कभी नहीं। उनको पूरी स्क्रिप्ट की भी जरूरी नहीं होती कि उनको ये करना है या वो करना है, वो फ्लो में उनका निकलता ही रहता है। यार हाउसफुल 4 जो थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्षय कुमार ने बिल्कुल अपने दम पे उस फिल्म को 200 करोड़ अक्षय से कुमार फिल्म उसको बोल सकते हैं। पूरा ऑल इन ऑल अक्षय कुमार जो था यार, बाकी पूरी स्टार कास्ट थी आई नो, बट जो अक्षय कुमार ने किया था यार, मतलब ऑडियंस का भी रिव्यू यही आ रहा था कि जब तक अक्षय कुमार स्क्रीन पे रहते थे बाला तभी तक मजा आ रहा था हम लोगों को। बाला तो यार आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है जब गुड न्यूज आएगी। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ गुड न्यूज के लिए। यू नो उसने कुछ 8-9 दिनों में ऑलमोस्ट 61.5 मिलियन के आसपास व्यू जो है कर लिया है यूट्यूब पे, और बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिला उसे ऑडियंस की तरफ से। मतलब आप कह सकते कि रेशियो लाइक्स डिसलाइक्स का इतना कम है कि मतलब बहुत, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे भी काफी पसंद आया था। और अब जो है इस फिल्म का गाना आने वाला है, क्या नाम है गाने फर्स्ट का? सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग आने वाला है दिला दे घर चंडीगढ़ में, टाइटल है ये गाने का। और ये सॉन्ग से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पार्टी सॉन्ग ऑफ द ईयर होने वाला है। साल के तो अंत में आ रहा है। हम लोग तो तैयार है पार्टी के लिए। आप आई लोग भी होप आप लोग भी तैयार हो। तैयार हो जाइए, बस थोड़ी देर में गाना ड्रॉप होने वाला है। तो चलिए गाना जो है अभी तुरंत फटाक से आने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाक से रिएक्शन देते एक्साइटेड। हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है यार, बहुत ज्यादा ही। क्या हॉट लग रही थी टीजर में करीना कपूर और कियारा आडवाणी, मैन बहुत लाजवाब बना। जबरदस्त। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए रिएक्शन भी देते हैं और रिव्यू भी करते हैं। तो चलिए। ओहो करण जौहर थर्ड डेब्यू है करण जौहर का। अक्षय कुमार गोली भी पे दिला दे। चंडीगढ़ में बुलाने का, चंडीगढ़ में हॉटनेस ओवरलोडेड। ब्लैक रेड अभी दिन दिन आदन का लुक था ना। करण जौहर फिल्म का फीलिंग आ रही है ना। ओ बादशाह जबरदस्त।
हैरी संधु आंख बंद कर चंडीगढ़ में एकदम कॉलेज स्टूडेंट दिख रहे हैं। क्या म्यूजिक है यार, पार्टी सॉन्ग। ओहो पूरी टीम के साथ। ओहो क्या अमेजिंग सॉन्ग यार, मतलब मजा आ गया देख के यार। गजब, मतलब यार अक्षय कुमार क्या मतलब जवान लग रहे थे गाने में, जबरदस्त एकदम पार्टी सॉन्ग है ना, एनर्जी आ गई पूरे शरीर में गाने को सुनने के बाद। हम लोगों ने थ्रू आउट एंजॉय किया गाने को, मतलब जबरदस्त गाना है यार। मतलब जो इतना हाइप था इस गाने का कि पार्टी सॉन्ग ऑफ द ईयर होने वाली है, पार्टी सॉन्ग यार साल खत्म होते होते तक बहुत ही लाजवाब सॉन्ग आ गया ये यार। अभी एक तो शादियों का सीजन भी चल रहा है, डीजे पे डीजे फ्लोर पे रेडी हो जाइए, ये गाना बजने ही वाला है, लूप पे बजने वाला है, लूप पे बजने वाला है और खतरनाक। इसमें आप भांगड़ा भी कर सकते हो और बॉलीवुड डांस और क्या क्या जो डांस स्टाइल होते हैं सारे सारा कुछ आप कर सकते हैं। वो बॉलीवुड, वो भांगड़ा, हिप हॉप, सारा कुछ, सभी का मिक्सचर है इस सॉन्ग में। बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग लगा मुझे, मैंने काफी इंजॉय किया, तुमने भी इंजॉय किया ही होगा यार। बहुत इंजॉय किया, काफी पसंद आया। यू नो बादशाह का रैप भी था बीच में, वो भी बहुत अच्छा रैप था। वो एक दो आया वो रैपर नहीं नहीं सिंगर जो है जनरली रैपर्स ही आते हैं गाने में। बादशाह को तो हम हमेशा हर गाने में देखते हैं, बट तो लगभग हर दूसरे गाने में, तो लेकिन हैरी संधू जो है ना इस बार क्या बोलते चार चांद लगा, चार चांद और कुछ अलग लुक उनका दिखा है। नहीं जनरली वही लुक, मतलब कुछ अगर वो काजल वाजल आंख में हो सकता है, मे भी हाँ वैसा कुछ था। और अक्षय कुमार का जो लुक था यार, वो स्टूडेंट हाँ 25 मतलब 10 साल पहले जो दे दनादन में जो उनकी जो हुडी वाली वो बीच में वो पैसा वैसा भी उड़ रहा था, तो कुछ तो दे दनादन का वो जो सॉन्ग था पैसा, हाँ कुछ में वो हुडी वाला, उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन उन्होंने जोड़ने की कोशिश की कि जो फैंस उनकी याददाश्त वापस से जो ताजा हो जाए, ऐसा कुछ किया है। और कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान क्या क्यूट दिखी है, लेकिन क्यूट अबे हॉट लगी है, क्या खतरनाक, मतलब जबरदस्त लग रही थी दोनों के दोनों, मतलब मजा आ गया। दिलजीत दोसन भी एक उनका जो वो ये जो डांस स्टेप भाई आते हैं, हाँ तो वो बड़ा कॉमिक लगा हमें। तो गाना तो ओवरऑल यार बड़ा जबरदस्त है, मजा आया गाना सुन के। तो हम इस गाने को देते हैं 5 out of 5 10 out of 10 मतलब गाना अगर आप ईयरफोन पे लगा के सुनो, 100 में से 100 नंबर ले लो, 100 में से 100 अगर ईयरफोन पे लगा के सुनो ना, एकदम बम बम जो मारता है ना बेस, बम बम मजा आ जाएगा यार सॉलिड। तो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो अच्छा गाना निकला और हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया फिल्म को लेके। ये फिल्म भी बहुत जबरदस्त है, इसका ट्रेलर को बहुत ही लाजवाब रिस्पांस मिला है जैसा कि हमने आपको बताया है अभी। और आज हम लोग सुबह से ही वेट कर रहे थे क्योंकि ये सॉन्ग लॉन्च के कारण थोड़ा लेट हो गया, आज सुबह से ही हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोग सुबह में ही हम लोगों ने वीडियो बना लिया था कि अच्छा अब गाना आ जाएगा, बट ऑडियो डाल दिया यार उन्होंने, पहले ऑडियो आया दबन थ्री वाली कुछ स्ट्रेटेजी है लगता है। और ये चूंकि ये गाने का टाइटल था चंडीगढ़ में, तो ये गाने सॉन्ग को रिलीज भी किया गया चंडीगढ़ में, सॉन्ग का लॉन्च इवेंट था आज, तो उसमें थोड़ा लेट हो गया बट देर आए दुरुस्त आए, मतलब जबरदस्त गाना था यार, मजा आ गया। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, जैसे जैसे इस मूवी के और सॉन्ग आते जाएंगे या बॉलीवुड में और भी सॉन्ग आते जाएंगे, ट्रेलर्स आते जाएंगे, उनपे हम दोनों रिएक्शन देते जाएंगे आपको। तब तक के लिए अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना क्योंकि हम ऐसे ही और जैसे जैसे वीडियोज आते जाते हैं हम उस पर रिएक्शन करते जाते हैं। और हाँ सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाए। तो यार तब तक के लिए जय हिंद।